हेलो दोस्त, मैं उज्ज्वल और उज्ज्वल बिहार का नमक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सर्वे के दौरान आपने कई बार सुना होगा कि मेरा जमीन अनाबाद बिहार सरकार हो गया, या फिर किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि इसका जमीन अनाबाद बिहार सरकार घोषित कर दिया गया। आखिरकार ये अनाबाद बिहार सरकार होता क्या है? आपने इससे पहले अनाबाद बिहार सरकार शायद नहीं सुना होगा, लेकिन इस सर्वे के दौरान ये काफ़ी प्रचलन में आ गया है। किसी का भी जमीन को अनाबाद बिहार सरकार घोषित कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार यह अनाबाद बिहार सरकार जमीन होता क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाइएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में समस्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यह अनाबाद बिहार सरकार जमीन से जुड़ा हुआ। तो आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को आप अच्छे से देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले हम बताते हैं अनाबाद बिहार सरकार जमीन होता क्या है। सर्वे के दौरान, मान के चलिए हम सर्वे अमीन हैं, हम किसी ज़मीन का सर्वे करने गए, तो मान चलिए सर्वे हम किसी ज़मीन का किए, उसके बाद लौटने के क्रम में किसी ज़मीन के बारे में हमने किसी स्थानीय लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस पे उसका दखल है। मान के चलिए इस ज़मीन पे किसी राम नाम के आदमी का दखल है, लेकिन अभी तक सर्वे कार्यालय में राम नाम का आदमी उस ज़मीन पे दावा नहीं किया है, तो ऐसे में उस ज़मीन को हम अनाबाद बिहार सरकार जमीन करार दे सकते हैं। फिर से समझिए, अनाबाद बिहार सरकार एक ऐसा ज़मीन होता है जो किसी के कब्जे में हो और सर्वे के दौरान उस पे किसी तरह का दावेदारी पेश न किया हो गया हो, या फिर सर्वे के दौरान प्रपत्र 8 जो हम भरते हैं वो किसी के द्वारा उस ज़मीन पे दावा नहीं किया गया हो, तो ऐसे ज़मीन का जब हम सर्वे करते हैं तो उसको अनाबाद बिहार सरकार के नाम से उसका खाता खोलते हैं और उस ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार हम घोषित करते हैं। आपको पता होगा कि सर्वे में किसी दो तरह से ही हम किसी ज़मीन का खाता खोल सकते हैं, या तो किसी रैयत के नाम से खाता खोलेंगे, या फिर उस ज़मीन को हम बिहार सरकार के नाम से खाता खोलेंगे। तो बिहार सरकार में हम एक अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोलते हैं, जिसमें किसी भी ज़मीन का किसी पे कब्जा है लेकिन अब तक उसका दावा नहीं किया गया है, या फिर सर्वे कार्यालय में उस ज़मीन को सर्वे करवाने के लिए एक बार भी किसी के द्वारा मांग नहीं किया गया हो, तो ऐसे ज़मीन को हम अनाबाद बिहार सरकार ज़मीन कहते हैं। आजकल सर्वे के दौरान कई सारे ऐसा ज़मीन है जो किसी कारणवश सर्वे तो खानापूर्ति में उसका कर लिया जाता है, लेकिन उस पर दावेदारी पेश नहीं किया जाता है, तो ऐसे सभी प्रकार की ज़मीन को अनाबाद बिहार सरकार घोषित कर लिया जाता है। और ऐसा ज़मीन जब सर्वे खत्म होता है, इसके बाद आपको कोर्ट के माध्यम से जीत हासिल करने के बाद, कोर्ट के माध्यम से उस ज़मीन पे आपको दावा पेश करने के बाद आपके नाम से फिर खाता खुलेगा। तो अगर आपका भी ज़मीन कोई अनाबाद बिहार सरकार आ रहा है या आप सुन रहे हैं, तो इस प्रकार की ज़मीन को जितना जल्दी हो सके आप मैटर ख़त्म कर लीजिए और आप उसका सर्वे करवा लीजिए। किसी भी ज़मीन को सर्वे करवाने के लिए सबसे पहला जो उसका मापदंड है कि उस ज़मीन पे उसका कब्जा होना चाहिए। मान के चलिए सर्वे के दौरान किसी ज़मीन का आप सर्वे करवाते हैं, तो सबसे पहला प्राथमिकता है कि उस ज़मीन पे आपका कब्जा होना चाहिए। इसके बाद कब्जा होने के बाद खानापूर्ति में आपका लिख लिया जाएगा, इसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा कि किस प्रकार से आप इस ज़मीन पर दावा करते हैं। तो आपके पास जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट होगा, आपका आधार कार्ड, आपका रसीद, और जो ज़मीन आपको ये साक्ष्य दे सके, मतलब ये जो दावा कर सके कि ये ज़मीन आपका है, मतलब आपके ज़मीन का जो मूल पेपर है वो आपको देना होता है, और सरकार के आंकड़े में जो ज़मीन का डिटेल्स है उससे क्रॉस वेरीफाई करवाया जाता है, और तब उस ज़मीन का खाता खुलता है, मतलब तब उस ज़मीन का सर्वे फाइनल होता है। तो ऐसे सभी प्रकार के ज़मीन जो किसी न किसी के कब्जे में है लेकिन अब तक उस ज़मीन पे सर्वे करवाने के लिए एक बार भी आवेदन नहीं दिया गया हो, ऐसे ज़मीन को हम अनाबाद बिहार सरकार ज़मीन कहते हैं। और इस ज़मीन का सर्वे बिहार सरकार के नाम से सर्वे के दौरान अगर कोई आपत्ति नहीं करता है, मतलब उस ज़मीन का सर्वे नहीं करवाना चाहता है, तो उसका नाम बिहार सरकार से खोल दिया जाता है और उसी खाता को हम अनाबाद बिहार सरकार खाता भी कहते हैं। तो हमें लग रहा है कि आप अच्छे से वीडियो में समझ गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे चैनल पे हमारा मोबाइल नंबर है, हमसे मैसेज या कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपका जो समस्या होगा उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर
भूमि जानकारी नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम ज़मीन से जुड़ा हुआ नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे उस प्लेलिस्ट को अभी ही देखें और ज़रूरतमंद लोगों के बीच भी शेयर करें, ताकि ज़मीन से जुड़ा जो भ्रांतियाँ हैं, ज़मीन से जुड़ा जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो दूर हो।